देख लो आपके सामने में गिरा के दिखा रहा हूँ, देख लो कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो देखो गिरा के दिखा रहा हूं, देखो व्हाट द हेल इज दिस। लोगों का लोग बन भी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो यहां पर बात करने वाले हैं पेड यूट्यूबर्स को लेकर के। जी हाँ, जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा माइक्रोमैक्स को लेकर के, बहुत ज्यादा यहां पर सेंसिटिव है लोग, और टेक्निकली क्यों ना हो, क्योंकि इंडियन ब्रांड से होना भी मांगता है। जी हाँ, लेकिन कुछ कुछ मैं बात करने वाला हूं यहां पर, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे प्रैक्टिकली लीजिए, क्योंकि शायद मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स जो पुट ऑन करूंगा आप व्यूअर्स के लिए भी है वो। जी हाँ, आप व्यूअर्स के लिए भी है। तो सिर्फ हम क्रिएटर्स को दोष नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि कोई अगर क्रिंज बना रहा है या फिर कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन परोस रहा है और आप बस लिए जा रहे हैं, तो जो दे रहा है उसकी तो गलती है ही, और जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है उसकी भी गलती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए पूरी जानकारी मिलने वाली है, और आप फिगर आउट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है सही और क्या है गलत। तो अगर चैनल पे रहे तो सबसे पहले तो बोलूंगा कि भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चिल्ला के मर जाएंगे, गला फट जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब बस कुछ भी नहीं होने वाला है। सारे वीडियोस पे इक्वली आपको यहां पर मतलब देखना है, आपको शेयर करना है, कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो पर हमने किया दूसरा वीडियो बस भाड़ में जाए ना, मेरे कंटेंट का नहीं है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। जब ऐसा होगा ना तो फिर ऐसे लोग बहुत ही आगे बढ़ते हैं और जो एक्चुअल क्रिएटर है वो मर जाता है। तो मैं बोलूंगा कि भाई एक ही वीडियो मत देखो, सारे वीडियोस को देखो, और सब जगह आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका वो डेटा जाया नहीं होगा, कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले तो वो काम करना शुरू कर दो, अगर लिटरली आप लोग सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और एक्चुअल में ऑनेस्टी के साथ वीडियोस पाना चाहते हैं। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं, पेड यूट्यूबर्स, क्या पेड यूट्यूबर्स खराब होते हैं, सबसे पहला सवाल। जी हाँ, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, पेड यूट्यूबर्स खराब नहीं होते हैं। क्यों भाई, अपने तो पास वाले वीडियोस में बोले हुए हैं कि भाई पेड यूट्यूबर्स हैं उनको गाली दो, मतलब फलाना ढमका, ये नहीं समझो आप। पेड यूट्यूबर्स होना कोई गलत नहीं है, उसको रिप्रेजेंट कैसे आप कर रहे हैं वो मैटर करता है। अब सिंपल सी चीज है, यूट्यूब ने एक ऑप्शन देके रखा है, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं जो क्रिएटर्स उनको पता है कि भाई वहां एक ऑप्शन है इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, वहां लिखा हुआ आता है। हाँ, अगर पिछले दो महीने से हम देखें तो अभी बहुत सारे क्रिएटर्स जो पेड प्रमोशन होते हैं उसमें वो टिक करते हैं, ऊपर में लिखा हुआ आता है वीडियो जब आप प्ले करते हैं। तो पेड यूट्यूबर्स बनना खराब नहीं है, उसे प्रेजेंट कैसे आप करते हैं वो मैटर करता है। तो मैं वही बता रहा था कि दो महीने पहले अगर आप देखिएगा तो मेजॉरिटी ऑफ दी वीडियोस, यहां तक कि जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का जो था एक जो काफी सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस को कवर किया था, वो एक पेड प्रमोशन था, लेकिन किसी भी क्रिएटर ने वहां पर हाईलाइट नहीं किया इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, तो वो एक गलत चीज है। तो प्रॉब्लम कब आती है, जब क्रिएटर अपना एथिक, अपनी डिग्निटी जब बेच खाते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब भाई आपकी ईमान मर गए हैं, आप समझो, आपको कौन देखता है, आपको कोई अंबानी का बेटा आपको नहीं देखता है, शाहरुख खान का बेटा आपको नहीं देखता है, मुकेश अंबानी का बेटा हो चाहे कोई भी हो, जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं हमारे और मेरे जैसे लाखों क्रिएटर्स को नहीं देखते हैं, इस बात को आप लिख लीजिए। हमें देखता है आम जनता, हमें देखती है आम पब्लिक, हमें देखती है वैसे पब्लिक। जब मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे 10 लोग मिलेंगे, बोलेंगे अजीत भाई मैंने आपका आज वीडियो देखा और मुझे अच्छा लगा आपका कंटेंट, तो मेरी छाती होगी चौड़ी। लेकिन अगर मुझे आकर कोई क्रिटिसाइज करता है तो मेरी बैंड बजेगी। और उससे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि हमारी जो जनता है दे आर ऑन द ग्रोइंग फेज, अभी नॉलेज उनको मिल रही है, धीरे धीरे वो चीजों को समझ रहे हैं, और इनका ब्रेन वॉश किया जाता है गलत तरीकों से प्रोडक्ट को सामने रख करके। चलिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं यूट्यूब के बहुत ही बड़े फेमस सेल्समैन है, सेल्समैन पता ही होगा ना आपको, उनके लिए सारे हैंडसेट्स धरती के अच्छे, कोई हैंडसेट खराब ही नहीं है, मतलब डिप्लोमेसी की हद होती है भाई, हाइट्स होती है, अब समझो इतना कैसे कोई गिर सकता है। मैंने वीडियो देखा, मैं बहुत पहले बनाने का सोच रहा था, फिर सोचा नहीं बनाऊंगा,
फिर बोला बनाऊं क्यों ना मैं भाई, क्यों ना बनाऊं, आपको देखना है, आपको जानना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे और आपके बीच में रख करके आपको और हमें पोपट बना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप और हम भी तो वैसे ही है ना, जो एक्चुअल क्रिएटर्स है, हम नहीं उनको भाव ही नहीं देंगे। भाई तू है कौन, तू कौन है, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तेरी जलती है इसलिए तू उसके बारे में बात करता है, तेरे को व्यूज नहीं आते हैं इसलिए तू उसके बारे में बात करता है। भाई मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूं, आज लोग अगर बोलते हैं कि मैं कॉन्ट्रोवर्सी करता हूं तो टेक्नोलॉजी ने एक टाइम पे क्या किया था, जाके चेकआउट कर लीजिए आप, एक टाइम पे टेक्नोलॉजी ने क्या किया था, आप जाकर के देखिए उनके वीडियोस को, कॉन्ट्रोवर्सी का किंग था वो बंदा, किंग। आज अगर कोई बोलता है कि भाई गरीबी को दिखा करके कोई आगे नहीं बढ़ो अपने टैलेंट, वो बंदे अपनी गरीबी को दिखा करके आगे बढ़ा, वो भी जाके आप देख लीजिए एक टाइम पे, जो हकीकत है उसके साथ लेट अस स्टिक टुगेदर, हवा में बात नहीं करने का, नहीं बात करने का, हमारा ईमान हमारी डिग्निटी हमें रोकती है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, किसी के कान के पर्दों पर अगर परत जम गई हो ना तो जब तक चिल्लाओगे नहीं कोई सुनने वाला नहीं है, और अब चिल्लाने का समय है। तो रियलमी C21Y यहां पर रिसेंटली लॉन्च हुआ, मतलब हाइट्स देखो आप बंदे की, सेल्समैन ऐसी मैं उसे नहीं कहता हूं, यस गॉड वो कहते हैं ना, तो फीमेल को कहा जाता है लेकिन ये चीज उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, ब्यूटी विथ ब्रेन्स, जी हाँ, और ऐसा कि सामने वाला का फुद्दू भी कट जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता है, ये हद स्थिति है। रियलमी C21Y लॉन्च हुआ, बंदे ने अपने एक्चुअल चैनल पे उसे वीडियो को पोस्ट नहीं किया, उस वीडियो को पोस्ट किया अपने मराठी चैनल पे, और उस वीडियो में वो बोलता भी है कि भाई सारे चैनल हिंदी पे ही आते हैं तो मैंने सोचा कि मराठी वाले चैनल पे थोड़ा बहुत कंटेंट डाल दिया जाए। ये चीज हर वीडियो में क्यों नहीं बोलता है वो बंदा मराठी चैनल पे, क्यों नहीं बोलता है? मुझे यहां पे लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश एक हिंदी भाषी देश है, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लोगों को हिंदी समझ में आती है और हिंदी बोलते हैं, और आपके मेजॉरिटी ऑफ द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, आपके जो भी वीडियोस आप बनाते हो आप अपने एक्चुअल मेन चैनल पे ही डालते हो, मराठी वाले चैनल पे नहीं डालते हो, और उसमें भी आपने जस्टिफिकेशन दिया, मतलब आप कहीं ना कहीं आपके दिल में तो खोट थी ना भाई कि मैंने इसे हिंदी वाले चैनल पे पोस्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपकी वाट लग जाती अगर आप उसे हिंदी चैनल वाले पे पोस्ट करते, क्योंकि आपने गलती की थी, आपने पास में बोला था कि माइक्रोमैक्स N2 भी G35 के नीचे है यूनी एसओसी T610 चिपसेट, आज वही यूनी एसओसी चिपसेट आपको यहां पे रियलमी ने भेजा है, तो उसकी बड़ाई तो करनी पड़ती है भैया, बिना बड़ाई के कैसे मेरा घर चलेगा, और उस बड़ाई करने के लिए क्योंकि आपको प्रमोट करना था उस प्रोडक्ट को अपने मराठी चैनल पे कर दिया, मतलब हद मतलब हिपोक्रेसी की लेवल तो देखो आप क्या लेवल है, मेन चैनल पे नहीं डाल करके कहीं और डाल दिया, चलो भाई जो 20-25 हजार लोग देख लेंगे कम से कम उतना तो धंधा अपने रियलमी का करा देंगे। भाई मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं है कि आप वीडियोस को बना रहे हैं, किस सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप, उसे लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हैं, कैसे लोगों को बता रहे हैं, मेजॉरिटी मेजर प्रॉब्लम वहां पर है, हमें प्रॉब्लम आपसे नहीं है, आपके कंटेंट से, क्योंकि आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये देखो कवर लगा हुआ है पोको F3 GT, देखिए कमाल का है, कोई डैमेज नहीं हुआ, भाई घंटा डैमेज होगा ये तो मुझे भी पता है, दिस इज समथिंग आई हैव कंट्रोल्ड दिस, हैव अ लुक, इसमें कौन सी गट्स वाली चीज है, बोलो मैं इसे 50 बार गिरा करके दिखा दूं, इसे दिस इज नॉट गोइंग टू डैमेज, ये नहीं डैमेज होने वाला है, बट घंटा आप लोगों को खबर पड़ेगी, क्यों? जो सच बोलता है भाड़ में जाओ ना भाई, हम तुम्हें क्यों वैल्यू करें, देख लो आपके सामने में गिरा के दिखा रहा हूं, देख लो कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पे, देखो देखो गिरा के दिखा रहा हूं, देखो व्हाट द हेल इज दिस, लोगों का लोग बन भी रहे हैं, हैव सम रेस्पेक्ट टू योर व्यूअर्स, थोड़ी तो कदर कर लो, थोड़ी तो इज्जत दे दो, और बाकी वो तो गया भाण में, आप लोगों से बोल रहा हूं मैं, आप तो इज्जत और कदर करना सीख लो लोगों का, कि कौन क्या कंटेंट दे रहा है, हर लोग बिकता नहीं है कितना भी समय बदल जाए, समय कितना भी बदल जाए कुछ लोग नहीं बिकते हैं, वो जैसे पहले होते हैं वो बाद में भी वैसे रहते हैं, यार तुम लोगों को वो लोग रिप्लाई तक नहीं देते हैं फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिखाए ना सामने में, देख लू ना यार
बोलू ना, कितनी बार करूं, कितनी बार करूं मैं, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। अगर थोड़ी बहुत भी यहां पर आपको लगता है कि मेरे बातों में दम है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि सिर्फ बोलने से आई सपोर्ट यू नहीं होता है, यारा गला फट जाएगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं करोगे तो नथिंग इज गोना हैपन, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही बेवकूफ बनते रहोगे। बाकी जो मर्जी आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, शेयर करो ना करो, इट्स ऑल अप टू यू, बट मैं ऐसे कंटेंट देता रहूंगा, कभी तो आंख आपकी खुलेगी, कभी तो आप समझोगे।